संकल्प के कमरे का दरवाजा खोलते ही वीना का मन किसैला सा हो गया। कितना बेतरतीब सा करके रखा है। धुले कपड़े चादर की गठरी से बाहर निकलकर ऐसे चढ़ा रहे थे मानो कह रहे हो, बहुत तहजीब पसंद हो ना, अब अपने बेटे को थोड़ा सलीका सिखाओ तो जाने। चादर झटकारने के लिए तकिया उठाया था कि देखा तकिए के नीचे रोमांटिक पत्रिका रखी हुई है। पन्ने पलटे तो मन घृणा से भर उठा। ये मेरा ही बेटा है, घिन आती है इसकी सोच पर मुझे। सोचने को मजबूर हो जाती हूं कि क्या वाकई बच्चों के गुण अवगुण आदतें संस्कार माता पिता की जींस पर ही निर्भर करते हैं। संकल्प के पापा और मैं तो ऐसे नहीं थे, फिर ये हमारा बेटा ऐसे कैसे हो गया। चादर झटकार कर वीना ने मैगजीन जस की तस तकिए के नीचे रख दी। कमरा थोड़ा सलीके से करके वो बाहर आई, तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने संकल्प कॉलेज का बैग पकड़े खड़ा था। हाय मॉम, कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूं बेटा, चाय बना रही हूं, पिएगा मेरे साथ? अरे मेरे मन की बात कह दी मॉम, आप चाय बनाओ जल्दी से, बहुत थकान सी लग रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूं। बिना दो कप चाय और बिस्किट ट्रे में ले आई। संकल्प टॉवल से मुंह पोंछकर चाय का कप उठाता है। कैसा रहा कॉलेज बेटा, आज तो 4 घंटे लेट आए हो, कोई खास वजह है? अरे मॉम, आज हम लोग ना कॉलेज के बाद ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होने वाले हैं ना, कॉलेज में ही डिस्कशन चल रहा था या फिर कहीं और गए थे तुम सब? अरे मॉम कॉलेज में नहीं थे, ये बिट्टन मार्केट कैफे में गए थे, पेट पूजा के साथ काफी कुछ डिस्कस किया, बहुत मजा आया। वाह मॉम, चाय तो बहुत ही जायकेदार बनी है, बहुत दिन बाद आपके हाथ की चाय पी है। तुम्हारे पास समय ही कहाँ है बेटा, कॉलेज, दोस्त, सहेलियां, कॉम्पिटिशंस, पता नहीं और भी क्या क्या। आपको क्या लगता है मॉम, मैं क्या टाइम पास करता हूँ बाहर जाकर? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। अरे हाँ, तुमको पता है शमिता आंटी आई थी कल शाम घर पर, बहुत परेशान सी थी अपनी बेटी के बारे में लोगों से सुन सुनकर। क्यों माँ, ऐसा क्या कर दिया बेटी ने? अरे अपने किसी दोस्त के साथ घूमने या यूं ही कहीं ग्रुप डिस्कशन के लिए कहीं गई होगी, अब किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने देखा होगा तो बताया कि तुम्हारी बेटी किसी आवारा से लड़के के साथ घूमते दिखी, कॉलेज बैग पीठ पर टांगे हुए। अब सुनकर शमिता को समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को कैसे समझाए कि वो गलत राह पर जा रही है। अरे मॉम, ये लड़कों का क्या जाता है, उनको तो रोज रोज नई नई गर्लफ्रेंड चाहिए घुमाने के लिए, और लड़कियों का क्या है, 2-4 तोहफे दो पट जाती हैं, फिर बदनामी की भी फिक्र नहीं होती उन्हें। हाँ बेटा ठीक कहते हो, लड़कियों को भले ही समझ नहीं आता होगा, पर लड़कों के गर्लफ्रेंड बनाने के फितर और टाइम पास की मानसिकता के कारण लड़कियों की जिंदगी तो दागदार बनी जाती है, माता पिता के लिए जिंदगी भर तिल तिल मरने का सबब। क्या तुम्हारी बहन या घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो तुमको गवारा होगा, वीना ने कहा। अरे इन लड़कियों को कहा किसने कि 100-200 के तोहफों के लिए अपनी और अपने माँ बाप की जिंदगी में जहर घोलें, और समझाए भी तो कौन इन बेवकूफ लड़कियों को, इनका अपना विवेक तो होता नहीं और लड़के इन्हें मोहरा बनाकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। मेरी बहन बेटी ऐसा करे ना तो मैं सरे बाजार 2 हाथ जोड़कर उसका घर से बाहर निकलना बंद करा देता, संकल्प कहता कहता उत्तेजित हो गया। संकल्प, मैं समझाऊंगी उन लड़कियों को, दो उन लड़कियों का नंबर तो मुझे अभी इसी वक्त। किनकी बात कर रही हूं मॉम, मैं शमिता आंटी और उनकी बेटी को जानता तक नहीं। अरे मेरे जलेबी से सीधे साधे भोले भाले बेटे, मैं शमिता आंटी की बेटी की नहीं, मैं उन बेवकूफ लड़कियों की बात कर रही हूं जो गाहे बगाहे तुम्हारी बाइक पर तुम्हारे कंधों पर झूलते हुए रोज तुम्हारे साथ घूमा करती हैं। कम से कम 2-4 लड़कियों की जिंदगी तो तबाह होने से बच जाए ना। अब मॉम आपने कब देख लिया मेरे साथ लड़कियों को घूमते हुए? मैंने नहीं देखा बेटा, पर आए दिन तुम्हारे ऐसे मनोरंजक दौरों के बारे में अपने ही लोगों से सुन सुनकर थक चुकी हूं, इसीलिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर तुम्हारी मानसिकता को जरा टटोला मैंने। बेवकूफ वो लड़कियां हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है कि तुम जैसे लड़के अपने माँ बाप को मूर्ख समझकर दूसरे की बेटियों को खिलौना बनाकर अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तबाह कर रहे हो। एक बात ध्यान रखना बेटा, दूसरे की बेटियों की जिंदगी का नासूर बनाकर तुम कुछ समय के लिए तो खुश हो सकते हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारे अंतस में कहीं ना कहीं ऐसे गलत कामों की नकारात्मकता का असर ना दिखाई पड़ता हो।
आई एम सॉरी मॉम, तुम सच कहती हो, हम लोग आपस में ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाने की शर्त लगाते हैं और सारा समय उन्हें घुमाने फिराने, गिफ्ट खरीद कर देने जैसे बेतु के कामों में जाया कर देते हैं। आई प्रोमिस यू मॉम कि अब इन कामों में अपना समय जाया नहीं करूंगा, अपने करियर और पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाऊंगा, पक्का मॉम। ये हुई ना बात, जब तुम अपनी बहन और बेटियों के साथ ऐसे घिनौने काम की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फिर दूसरी लड़कियां भी तो किसी की बहन बेटी है ना, और अगर सभी लड़के ये बात समझ जाएं, तो शायद किसी माँ को ऐसी कहानियां गढ़ने का कारण ही ना मिले। हाँ मॉम, एंड थैंक यू, क्योंकि आपके कारण मेरी बुद्धि पर चढ़ी धुंध अब छट गई है। चलो देर आए दुरुस्त आए मेरे लाल, एंड थैंक्स मॉम फॉर द टी, लव यू।